सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूँ मिड रेंज फ्लैगशिप तो आपके माइंड में एक ही ब्रांड का नाम आएगा, जो कि है रेडमी। जी हाँ दोस्तों, रेडमी अपने नोट लाइनअप सीरीज में कुछ ऐसे फ्लैगशिप फीचर लाती है जो कोई अदर कंपनी नहीं कर पाती है। तो काफ़ी सारे यूजर्स रेडमी की नोट 11 प्रो मैक्स के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट क्वालकॉम का 5G चिपसेट और कैमरे में न्यू सोनी का सेंसर लगा होगा, जो कि आपको फ्लैगशिप लेवल की कैमरे का मजा देगा। और दोस्तों, इस फ़ोन की बहुत सारी न्यू अपडेट्स आई है, तो आज इस वाली वीडियो में रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही टेक वीडियो आपको फ्यूचर में दे सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm पर बेस्ड है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे देगा। और स्टोरेज यहाँ पर आपको 6 128 8 128 and 8 256 GB तक का अप टू टॉप एंड वेरियंट देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट दिया जाएगा। और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फुल HD+ रेजुलेशन के साथ आएगा, जहाँ पर डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का होगा, जिसके साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। चलिए और बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर एक न्यू सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि सोनी का सेंसर होने वाला है। और इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 108 MP का होगा, जिसमें सोनी का न्यू एंड लेटेस्ट सेंसर लगा होगा, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस 5 MP का माइक्रो लेंस एंड 5 MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ्रंट साइड में आपको सिंगल पंच होल, जो कि टॉप सेंटर में दिया जाएगा, जिसके अंदर मैक्सिमम 20 MP की सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और चार्जिंग के लिए 33W के फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च तक देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 20,000 के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। और वैसे आपको क्या लगता है, ये स्मार्टफोन की प्राइस कितनी हो सकती है और कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। क्या आप लोग इसी स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं? इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।